हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम जियोग्राफी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जियोग्राफी सीरीज का आपका थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि इस क्लास में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो 61 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है, पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी है वो कब होती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है, 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को या 23 सितंबर को। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, और खुद एनालाइज भी कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जुलाई। जी हाँ गाइस, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, पहले क्वेश्चन में क्या था इसे ऊपर वाले में अधिकतम दूरी पूछा गया था, लेकिन इसमें न्यूनतम दूरी यानी एक सबसे कम दूरी की बात की गई है, कब होती है, 14 जुलाई को, 23 जनवरी को, 3 जनवरी को या 23 सितंबर को। कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस तिथि को, यानी किस डेट को दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को, 23 दिसंबर को, 22 सितंबर को या ए और सी दोनों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, यानी जो चंद्र ग्रहण होता है उसका क्या कारण है, किस वजह से होता है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा नहीं और चंद्रमा पे क्या चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो इस वजह से सूर्य चंद्र ग्रहण की जो कंडीशन होती है वो आप में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, यानी चंद्र ग्रहण का तो कारण हमने समझ लिया, लेकिन सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन ये हो जाएगी, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो ध्यान से पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में या सऊदी अरब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो दिखाई देता है नॉर्वे में। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, लगभग कितना है, एक्चुअल तो नहीं बताया जा सकता लेकिन लगभग बताया जा सकता है। तो ही आपसे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6,400 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है वो लगभग 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, यानी जो प्रधान मध्यान रेखा है वो किस स्थान से गुजरती है, सिडनी से, मेलबोर्न से, बर्खोयांस से या ग्रीनविच से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनविच। जो मध्यान रेखा गुजरती है, प्रधान मध्यान रेखा, वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट या 4 मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 मिनट। कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट।
तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटती है। जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के जो व्यास की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, घटती जाती है जाने के साथ साथ जैसा हम उनके नजदीक पहुंचते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, इस वीडियो में नहीं बताया, लेकिन ज्योग्राफी सीरीज की जो वीडियोस चल रही हैं उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शनि को, मंगल को, बुध को या शुक्र को। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, यानी पृथ्वी से जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या शनि है। तो यहाँ भी आपका शुक्र हो जाएगा कि जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र को पृथ्वी की भगनी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोनों का आकार लगभग सेम है, यानी शुक्र का आकार पृथ्वी के ही आकार जितना है, इस वजह से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, सबकी एक नियमित आयु होती है, आयु सीमा है। तो वही पूछ रहा है कि पृथ्वी की अनुमानित, अनुमानित जो अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने, वो अनुमानित आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष, 5.6 अरब वर्ष या 3.6 अरब वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4.6 अरब वर्ष, यानी पृथ्वी लगभग की आयु कितनी है पृथ्वी की, 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो है आपका निकल, जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वो है निकल। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मेंटल, भूपर्पटी, क्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी में कौन सा तत्व तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी इन सब में अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी में, लेकिन अगर इन चारों में बात करें तो इन चारों में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी में, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, यानी ऐसा कितना प्रतिशत भाग है जहां जल नहीं है सिर्फ स्थल है, 29%, 39%, 31% या 41%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29%, जी पृथ्वी का लगभग 29% भाग ऐसा है जहां पर स्थल है, तो यहां ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन कायांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर या बेसाल्ट। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो संगमरमर है वो कैसी परत है, वो आपकी कायांतरित चट्टान मानी जाती है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, यानी पृथ्वी का जो स्थान जिस पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा भूकंप अधिकेंद्र, कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं,
हिंद महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है वहां पर सर्वाधिक भूकंप होते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिक्टर स्केल जो एक मापने का पैमाना है, मापने के लिए यूज होता है, उससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या ताप। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप जो आया, अगर भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता कितनी है, ये रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी जो भूकंपीय तरंगे होते हैं उसे मापने का यंत्र क्या होता है? बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सीस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीस्मोग्राफ, की जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो सीस्मोग्राफ से मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है। तो कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कहाँ स्थित है? जापान में, इक्वेडोर में, कोस्टारिका में या पेरू में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को, भूकंप को, ओजोन गैस को या नदियां। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैच करना है, सही मैच करना है कि कौन सा किसमें मैच होगा। तो राइट आंसर बताइए कि यहाँ क्या है, एक ज्वालामुखी एक तरफ दी गई है, एक तरफ स्थान दिया गया है, तो आपको यहाँ मैच करना है। तो जल्दी से मैच करके बताइए कि कैसे सब मैच हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं है, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर दिया। इसमें ये पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी चार में से तीन सही मैच है लेकिन एक सही मैच नहीं है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है। तो जो इटना ज्वालामुखी है उसका स्थान इटली है, ये एकदम सही है। फ्यूजीयामा का जापान है, ये भी एकदम करेक्ट है। पोपा का म्यांमार है, ये भी एकदम करेक्ट है, लेकिन क्रोकाटोवा का मलेशिया है, ये सही नहीं है। क्रोकाटोवा जो ज्वालामुखी है वो मलेशिया में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और बाकी के सब सही मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं या ज्वालामुखी हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वलित पर्वत। ये जो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय हैं, ये वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या तिब्बत में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है लोयस का पठार है कैसा पठार है? हिमानीकृत है, जलकृत है, नदीकृत है या पवनकृत है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका डी, जो लोयस का पठार है वो पवनकृत है, यानी पवनों के द्वारा बना हुआ है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 29 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 90 क्वेश्चंस नहीं है इसमें, यानी 90 नंबर क्वेश्चन नहीं है, जो अगले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट फर्दर 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, तो आप खुद एनालाइज कर पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा मैच क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको फर्दर वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।